नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में नव निर्मित सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया। बेंगलुरु में कार्यक्रम को सम्पन्न करने के बाद PM मोदी बागची पार्ट सारथी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आधारशिला भी रखेंगे। इस दौरान वे बंगलुरु में डॉक्टर B.R. अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा बेस यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया। यहां PM मोदी राष्ट्र को 150 प्रौद्योगिकी हब समर्पित करेंगे जिन्हें औद्योगिक परिवर्तन करके विकसित किया गया है। इसके बाद वे 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। बेंगलुरु के बाद PM मोदी मैसूर के महाराजा कॉलेज ग्राउंड में एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। यहां वे नागनहल्ली रेलवे स्टेशन पर कोचिंग टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। साथ ही वे अखिल भारतीय संस्थान में संचार विकार वाले व्यक्तियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। PMO ने कहा कि इसके बाद वे सोमवार शाम में ही श्री सुत्तूर मठ और श्री चामुंडेश्वरी मंदिर भी जाएंगे। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मंगलवार सुबह PM मोदी मैसूर पैलेस मैदान में सामूहिक योग प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। PMO ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये कार्यक्रम 75 केंद्रीय मंत्रियों के नेतृत्व में देश भर में 75 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कॉर्पोरेट और अन्य नागरिक समाज संगठनों द्वारा भी योग शिविर आयोजित किए जाएंगे और इसमें देश भर के करोड़ों लोग शामिल होंगे। PMO ने बताया कि 2015 से हर साल 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IUI मनाया जाता है। इस वर्ष योग दिवस का विषय मानवता के लिए योग है। ये विषय दर्शाता है कि कैसे योग ने कोविड महामारी के दौरान पीड़ा को कम करने में मानवता की सेवा की। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।